bitch. So when I was in school, I was only scared of three people. My mom, my teachers, and my tuition teachers. Back in the day, tuition teachers were a huge, like the huge prominent part of our lives, okay? Like every kid in the society used to go for tuitions because sabke sab gadhe the. I'm just kidding. Main bas khud ki baat kar rahi hu because main sach mein bahut badi gadhi thi. Kya kar sakte? Jo hai wo hai matlab. कुछ कर नहीं सकते यार इसका. एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउ मच आई वाज स्ट्रिक्ट और नॉट स्ट्रिक्ट योर टीचर वाज फट्टी तो हमारी सबसे थी भागो. एंड गर्ल सम ऑफ अस यूज्ड टू गो फॉर ट्यूशंस. What are you saying, Sheshe? Two tuitions, that is one for English subjects and the other for languages. फिर आते थे कुछ महाप्राणी बच्चे जो संस्कृत लेते थे और जाते थे तीन ट्यूशन. उन्हीं महापुरुषों प्राणियों में से मैं भी एक थी. फिर दो महीने में मैं औकात पे आ गई और मैंने चुपचाप हिंदी ले लिया. बैक टू औकात बिच. बट ऑफ कोर्स ऑल द ट्यूशन टीचर्स वर यूनिक और सबके अलग अलग तरीके थे अपने बच्चों को डराने के. आई होप माई ट्यूशन टीचर्स डोंट वॉच दिस मैन. मेरी तो अभी भी फट रही है. बट ऑफ कोर्स वो नहीं होते तो मैं नहीं होती पास. उनके होते हुए भी मैं नहीं हुई हूँ वैसे तो पास. Stupid bitch, Sheshe. Dagdi kahi ki. When I sat to write the script, I got 10 types of tuition teachers, so I thought I'd make part 1 and part 2. So this is the part 1 of types of tuition teachers, guys. Let's go. Fact number 1. The angry bird. You remember those tuition? Tuition teachers were always angry, like 24/7, 365 days, angry, pissed, and kharoos. And on top of it, our parents used to force us to go for that tuition because apparently teacher jitni strict hogi, utna acche se mera bachcha padhai karega. Excuse me, shalala land, kidhar hai meri mummy? Maine to nahi ki koi achhi padhai. Like you know, if I still see my aggressive, angry bird teachers on the road, I just run away. हाँ साहिल की मम्मी बोलिए बोलिए. हाँ देखा मैंने उसका कैलेंडर. तीन रिमार्क्स आए हैं ना उसको. मैं ध्यान दूंगी उसका, आप टेंशन मत लीजिए. क्या उसने आपको बोला कि मैं उसको मारती हूँ? अरे वो मार नहीं, माँ की ममता है, माँ की ममता. अब जैसे मेरा पप्पू मेरे लिए वैसे ये साहिल मेरे लिए. आप टेंशन मत लीजिए साहिल की मम्मी, मैं उसको अच्छे से देखूँ, अच्छे से, बहुत अच्छे से. हाँ ठीक है बाय बाय. क्या मैं क्या तेरे को मारती हूँ? मैं मारती हूँ तुझे, मारती हूँ तुझे. इधर आ, इधर आ. सिलेक्ट करके तेरे लिए बेस्ट वाला स्केल निकालू. मेरे पास खजाना है, खजाना बेस्ट वाला. क्या मम्मी को कंप्लेन करता है मेरी? हाँ कंप्लेन करने के लिए बराबर मुंह है तेरे पास. तू का टेबल बोल के दिखा तो मैं ऐसे करता है. 19 आउट ऑफ 20 मिला है. अच्छा हाथ आगे कर, मेहंदी निकाल ली. आगे कर. ये मैं तुझे एडवांस में मार रही हूँ कि नेक्स्ट टेस्ट में 22 आउट ऑफ 20 आना चाहिए. हर टेस्ट के पहले मेरी शक्ल तेरे सामने आनी चाहिए. एक भी मार्क अगर कम मिला तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा. नोटबुक निकाल. नोटबुक भूल गया. नोटबुक भूल गया. खाना खाना भूला है कभी? किधर गया मेरा? ये किधर गया? खाना खाना भूला है कभी? चल जा घर पे जाके लेके आ. इडियट किड्स. ए क्या मॉडलिंग करके आती है इधर? हाँ यू थिंक यू आर करीना कपूर? टायर हेड्स, टायर हेड्स. ये तेरे को क्या बड़े होकर डॉक्टर बनने का है? तो इतना गंदा हैंडराइटिंग में क्यों लिखा है? तेरा पाप आएगा क्या उधर पेपर चेक करने के लिए? गो गो. ए और तुम लोग का क्या है? हर बार साथ में आते हो, साथ में जाते हो, साथ में उठते हो, साथ में बैठते हो. इधर क्या हम साथ साथ का पिक्चर चल रहे हैं क्या? हाँ फ्रॉम नाउ ऑन यू विल सिट हियर एंड यू विल सिट हियर. कम हियर, कम हियर. सोसाइटी में ऐसा अफवाह किसने फैलाया कि मैं चिल्ला चिल्ला के बात करती हूँ? हाँ किसने बोला ऐसा? मैं चिल्ला के बात करती हूँ? हाँ मैं चिल्ला के बात करती हूँ. टीचर मे आई ड्रिंक वाटर? ड्रिंक योर ओन सलाइवा. और ये क्या रिपर्ट जींस पहन के है? हाँ यू थिंक आई डोंट नो फैशन? आई डोंट नो फैशन. गेट आउट, गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट. I don't know if you clearly remember this teacher, but if you ask your mom will definitely tell you this. That there was that one tuition teacher when you were young, जो सिर्फ homework करके हमको छोड़ देती थी. And these used to be my favorite tuition teachers क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई कुछ करनी नहीं पड़ती थी. And I used to love this teacher because वो teacher के पास सिर्फ homework करना पड़ता था और वो छोड़ देती थी. उसके बाद मैं अपने school में fail हो गई थी unit test में, तो मेरे मम्मी ने निकाल दिया उधर से. दो महीने में कट लिया मैंने. क्यों यार मम्मी ऐसा क्यों किया मेरे साथ? आज स्कूल में क्या पढ़ाया? मैथ्स पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया, जियोग्राफी भी पढ़ाया. ठीक है चल होमवर्क निकाल. अब तू मुझे सिखाएगी कि होमवर्क ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है या यूनिट टेस्ट? ऑब्वियसली होमवर्क ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. चल होमवर्क निकाल. कितना होमवर्क है? बहुत होमवर्क है. अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. ठीक है आज हम सब एक काम
मारते हैं। आज एक काम करते हैं बच्चों, आज ट्यूशन कैंसिल। कैंसिल कुछ नहीं, चलो सब लोग घर पे जाओ। प्लीज गो होम बिफोर आई चेंजेस माई माइंड। चलो अभी सब लोग जाओ, चलो। अरे तुम लोग गए नहीं? मैम कल से यूनिट टेस्ट है। तो यूनिट टेस्ट तो क्या हुआ? दूसरा ट्यूशन लगाओ यूनिट टेस्ट के लिए। आए बड़े, यूनिट टेस्ट है। मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे नहीं पता। चलो सब लोग जाओ, गेट आउट। आउट आई सेड, आउट। टाइम नंबर 3, द फील लाया क्या टीचर? यूनिक नेम नो, आई एक्चुअली कुडंट थिंक ऑफ एनी अदर नेम। सो फीस लाया क्या टीचर? फीस लाया क्या? लाया फीस। फीस क्यों नहीं लाया? क्यों नहीं लाया? फीस लाया? नहीं लाया। अच्छा, खाना खाना भूलते हो, पानी पीना भूलते हो, मेरा दिमाग खाना भूलते हो, तो फीस लाना क्यों भूल गए बेटा? अभी घर पे जाके अपने मम्मी को बोलने का कि फीस लाया टीचर ने, फीस मांगा है। फीस नहीं दिया तो ट्यूशन भी नहीं मिलेगा। सब लोग अपने अपने मम्मी को घर पे जाके क्या बोलेंगे कि फीस लाया टीचर का, फीस 1 तारीख तक पहुंच जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1.5 तारीख, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। और अगर 1.5 तारीख तक फीस नहीं आया तो सबको उठा के खिड़की से बाहर फेंक दूंगी। मजाक नहीं कर रही। 1 तारीख तक सबका फीस आ जाना चाहिए। ये किसका फीस है? अच्छा, प्रीति टीचर का फीस है। और मेरा फीस कब आएगा? अच्छा, मेरा फीस दे दिया तुमने तो कुछ नहीं होता बेटा। अगले महीने का फीस थोड़ा एडवांस में भी दे दिया ना तो कुछ नहीं होता। दे देना प्रीति टीचर को ये। लेजी टीचर, वी ऑल आर ट्यूशन टीचर जो बहुत आलसी थी, और उधर बहुत मजा आता था क्योंकि उधर पढ़ना ही नहीं पड़ता था, 1 घंटे का फुल टाइम पास। क्या पढ़ाया आज? बाप रे, सब सब्जेक्ट पढ़ाया। अच्छा, बुक दे दो। ठीक है, ये टॉपिक बाद में कर लेंगे, ये गूगल कर लेंगे, ये कभी नहीं करेंगे। मैं क्या बोलती हूँ, हम लोग है ना ये सब्जेक्ट ही ड्रॉप कर देते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट निकाल। अरे निकाल ना, बहुत नींद आ रहा है। टीचर दिखता नहीं है कि मैं सो रही हूँ? हाँ, सब कुछ मैं ही पढ़ाऊंगी, मैं ही सब कुछ पढ़ाऊंगी, तो तुम्हारी मम्मी डैडी क्या करेंगे? हाँ, बड़े पढ़ाई करने के लिए 5 मिनट सोने भी नहीं देते। चलो अभी सब लोग खुद से खुद करो, सेल्फ रीडिंग करो, सेल्फ रीडिंग। सब लोग खुद से पढ़ाई करने का 10 मिनट टीचर को कोई नहीं उठाएगा, समझा? शाम हो गई क्या? कोई चाय बना के देता ना तो मजा आ जाता। कोई है नहीं मेरे घर पे, मैं अकेले रहती हूँ। Who all at your home? You and mummy alone? Father? So father in navy. I'm single. Not married yet. चाय बनाने को आता है आपको? नहीं आता है। अच्छा, सीखने का? सब कुछ सीख के रखने का क्या है? फिर काम आता है वैसे सब टाइम पे। Finally, time number 5, the gossip girl. XOXO, the gossip girl. Every society had that one tuition teacher who was the gossip girl of the society. This teacher knew A to Z everything about everyone, and the only source of all her gossip were her students. I also was one of those students who used to blab out everything about my fellow friends to my tuition teacher. Chupit bichhe she, aisa nahi karte. And students kya padhaya school mein? वो सब छोड़, वो अपने पास रिया आती थी ना ट्यूशन के लिए, वो महिमा की बहन, अभी वो किधर जाती है ट्यूशन के लिए? अरे मैंने देखा है उसको बैग लेके जाते हुए। अच्छा, प्रीति टीचर के पास जाती है, उसका फीस? अच्छा, मेरे से कम है। और टाइम? मेरे से ज्यादा है। अच्छा, पर मैंने सुना है सो क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है। पता नहीं अभी कैसे जाते हैं उधर सब। तुम लोग सब मत जाना उधर, बाबा फेल हो गए तो फिर मेरे दिल को अच्छा नहीं लगे, माला छानना है वाटना। वो जो सीविंग वाली पारुल मैम है ना, वो सिर्फ होमवर्क करके छोड़ती है, सबको चूना लगाती है। तुम्हारा माइकी नहीं, पर मैं बगीचे, मैंने बहुत सुना है उसके बारे में, उसका रिव्यूज इतना अच्छा नहीं है। तेरा भाई जाता है? तेरा भाई इधर क्यों नहीं आता है? नहीं, मैं बस ऐसी पूछ रही थी, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन्फॉर्मेशन के लिए। तो सीविंग वाली पूजा का किसी के साथ तो अफेयर चल रहा था ना? हाँ, वो रोहन के साथ। क्या हुआ फिर? ब्रेकअप ही हो गया? क्या आजकल के बच्चे ना, तुम लोग भी ना, शुरू होते तुम लोग का खत्म हो जाता है। जो भी है छानना ही है सब, ऐसा नहीं रहना चाहिए। छोड़ो, अभी हमको क्या करना है,
मुझे, मैं तो बस सबका भला चाहती हूँ, ऐसे ही मैं विचारा तो ऐसे ही पूछ रही थी, मुझे क्या करना, ये क्या गॉसिप क्या करते बैठे हो, चलो अभी पढ़े करो, दूसरे लोगों के बारे में बराबर सब जानने का रहता है, खुद का पढ़ाई 1% का भी करने का नहीं है, फिर यूनिट टेस्ट में फेल हो जाते तो तुम्हारी मम्मी फिर मुझे फोन करती है, चलो पढ़े करो। ये मेरा ना साइड बिजनेस भी है साड़ी का, किसी की मम्मी को साड़ी चाहिए रहेगा ना तो मुझे बोलना, एक एक पीस सब लोग अपनी मम्मी के लिए लेके जा, स्टार्टिंग प्राइस 600 रुपीज ओनली, सोसाइटी में और किसी के पास इतना अच्छा साड़ी मिलेगा नहीं, मैं ही बेचती। वो एफपी वाली रेखा टीचर का फीस कितना है? 700 रुपया। बाप रे, मेरे से 300 रुपया कम, पढ़ाती अच्छा नहीं रही। अच्छा पढ़ाती है, तुम्हारी टॉपर क्लास की उधर की है, क्या नाम है उसका? पूजा पाटिल। पूजा पाटिल को बोल इधर आने के, और टॉप मारवाऊंगी मैं, मारवाऊंगी। That was it for this video. Do watch out for the part 2 of this video, which will come on next Thursday. If you like the video, please hit the like button. Please comment below if you like it. Yaar, why don't you comment on my video, yaar? What the hell, Party Prasad? What the hell? Do share this video with your tuition teachers, tuition friends. Don't share it with your tuition teacher. Mujhe kisi se pitai nahi chahiye. Thank you so much for watching the video, guys. Do subscribe to my channel, The Controversial Kid. Bye. Bye. What, yaar?